उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ईडी की छापेमारी की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री समेत प्रदेश के कई अधिकारियों के ठिकानों पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अफसरों ने छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान कॉर्बेट से जुड़े तमाम वित्तीय विषयों को लेकर ईडी जरूरी जानकारियां जुटा रही है। इसी के साथ ही वन विभाग के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के घर पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की है। सुशांत पटनायक छेड़छाड़ के मामले में चर्चाओं में आए थे। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ कटान के मामले में सुशांत पटनायक का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि सुशांत पटनायक उत्तराखंड में ताकतवर अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट।